रंगोली हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। गिफ्ट अभी ओपन होने वाला है, हो रहा है। अरे भाई साहब, मम्मी कैसी बन रही है? बहुत अच्छी बन रही है। अच्छी बन रही है, झूठ मूठ के सच में? झूठ क्यों बोलना है, सच बोल रही हूँ मैं, अच्छी बन रही है। yeah. आपके भी व्यूअर्स को विश हैप्पी दिवाली। ठीक है, विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। जैसे कि आज बड़ी दिवाली है और हम कर रहे हैं अपने घर पे तैयारियां। तैयारियों में सबसे पहले हमारी जो मम्मा हैं वो कर रहे हैं, जो फूल हमारे यहाँ पे इतने सारे लगे हुए हैं, ये इनमें से फूल को तोड़ के बना रहे हैं हम हार। हार की जो अपने दरवाजे पे भी लगाएंगे और अपनी जो माता है हमारे अंदर, पूजा जहाँ पे हम करते हैं माता रानी की, वहीं पे हम माता के लिए भी बनाएंगे हार। बाकी आपको दिखाते हैं, अपनी डेकोरेशन करते हैं, थोड़ा बहुत जितनी हमने कल मार्केट से सामान लाया है। हाँ जी, तो मम्मा कुछ बता रहे हैं वहाँ से यहाँ तक। हाँ, हमारे यहाँ पे गाइस ईंटें हैं, यहाँ पे रखी हुई हैं क्योंकि बारिश से बचने के लिए। यहाँ पे हमने इस तरह चट्टा बोलते हैं उसको लगाया हुआ है। मम्मी यहाँ पे फूलों की मालाएं बना रहे हैं, हार बना रहे हैं। और देखिए, ये हमारे घर के मैरी गोल्ड के फ्लावर्स हैं यहाँ पे, और पैसों से खरीद कर लगाते हैं ना हमने घर पे। आपने बना भी दिए हैं क्या इसमें? पूरा हार बना दिया ना एक। अच्छा, दिखाओ। अरे वाह, इतना बड़ा बनाया है। इसको हमें जोड़ा था ना अभी आपने, तो गाइस ये देखिए, ये आपने कहाँ के लिए बनाया? इधर दरवाजे में आएगा, वहाँ से यहाँ तक पूरा। अभी देखते हैं इसको, चेक करते हैं। अभी चेक करो। ठीक है, तो एक हाँ, ये आपने छोटा बनाया, ये किसके लिए? अंदर की माता ना, बड़ा बड़ा बनाओ अभी। ये जो हैप्पी दीपावली लेके आया था, इसको हम लगाएंगे यहाँ पर दरवाजे में। वो पूरा बराबर ही लाया लगता है ना हमारे घर में। इस तरीके से अभी हमने फिलहाल ये एक डेकोरेशन किया है दरवाजे के लिए, मालाएं लगाई हैं फूलों की, और इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन बना हुआ है, ये देखिए। और ये सब राम भगवान के आने की खुशी में ताकि राम भगवान जी हमारे घर पे आए। और मम्मा अभी भी बना रहे हैं, तो मम्मा से कुछ बातचीत करते हैं। तो मम्मा, आपने कितने फूलों की मालाएं बना दी हैं? बहुत मालाएं बनाई मैंने। अच्छा, कब की लगी हूँ। अच्छा, चलो भगवान के लिए बना रही हूँ ना, कि आज दिवाली है, भगवान बहुत खुश हो ना। और आज के दिन ही राम भगवान जी, आज इस दिन और क्या, राम भगवान घर आए हैं, हमारे घर भी आए, हमारे घर भी आ जाएंगे आज उनकी सजा, उनके लिए तैयारियां हो रही हैं, उनके लिए तैयारी हो रही है। मम्मा भी काफी मेहनत कर रहे हैं, हार बना रहे हैं। और मैं एक छोटा सा मैसेज यहाँ के लोगों का, कि मतलब जो भी हमारे हिंदू और सारे पहाड़ी लोगों को ही देना चाहता हूँ, कि भाई आप ही इस तरीके से फेस्टिवल, जो हमारा हिंदू का त्यौहार होता है ये, ठीक है, और साल में एक दिन का होता है ये, तो आप सबको भी इस तरीके से सेलिब्रेशन करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा पैसे खर्च करो, अगर आप छोटा भी करो, और छोटे छोटे, मतलब हमने भी कोई ज़्यादा पैसे तो खर्च किए नहीं है, लेकिन हमारे दिल के अंदर मतलब एक वो रहती है कि भाई आज हमारे मतलब हिंदू का फेस्टिवल है, त्यौहार है, तो हम उसको अच्छे से सेलिब्रेशन करें, तो एक खुशी रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबके अंदर भी हो और आ भी रही है ये चीज़ की, जैसे कि आज मैं मतलब सजावट कर रहा हूँ घर पर, और पहले इससे पहले की बात बताऊं तो पटाखे लेके आता था, पटाखे यहाँ फोड़ता था, बाकी लोग नहीं लाते थे इतने, तो वो समझते नहीं थे इसको, लेकिन अब वो उनके अंदर भी धीरे धीरे ये चीज़ आ रही है कि हम भी इस तरीके से सेलिब्रेशन करें। और मैं वीडियो भी इसीलिए बनाता हूँ कि इस तरीके से, कि ये देखिए मैं आज ये ऐसा कर रहा हूँ, सजावट कर रहा हूँ दिवाली के लिए, त्यौहार बना रहे हैं, तो ताकि लोगों को भी पता चल सके। मैक्सिमम लोगों को तो पता ही है, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं रखते इसमें, तो वो कुछ लोग होते हैं, मतलब मैं लगा लो 100 में से 90% तो बनाते हैं, और उनको सब पता है कि किस तरीके से सेलिब्रेशन हमें करना है, अपना हिंदू फेस्टिवल है तो। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं जिनको अपने मगन में रहते हैं, उनको मतलब नहीं आता, लेकिन उनके लिए भी है कि भाई साल में एक बार ही आता है, तो आप उसको अच्छे से मनाइए। और पापा तो कह रहे हैं कुछ लोग दारू वगैरह भी पी लेते हैं, मीट वगैरह खा लेते हैं। हाँ, वो कुछ लोग होते हैं जिनका अपना, मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा, मैं एक ऐसे आम हिंदुओं की ही बात कर रहा हूँ, बाकी किसी को लेके नहीं बोल रहा। नहीं खाना चाहिए। हाँ, और लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, पापा को हम दिखा नहीं सकते क्योंकि पापा अभी उसमें नेकड़ जिम कर रहे हैं वो अभी, तो इसीलिए ले दो, आपको अभी दिखाते। और बस बाकी यही है कि भाई जो भी त्यौहार होता है उसको आप मनाएं, सेलिब्रेशन करें, खुशी मनाएं और अच्छे से मनाएं, ठीक है। और आपके दिल में ये चीज़ होनी चाहिए कि आप एक हिंदू हैं, तो हिंदू जो फेस्टिवल है उसको आप अच्छे से मनाएं। और ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे खर्च करो ज़्यादा,
आपके अंदर बस एक खुशी होनी चाहिए, आपके दिल के अंदर उसको सेलिब्रेशन करने की एक उमंग होनी चाहिए। आपको महत्व पता होना चाहिए कि हिंदू फेस्टिवल क्या महत्व होता है और क्यों मनाया जाता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए आप सबको। और सेलिब्रेशन कीजिए आप अच्छे से। और आज हमारे अंदर भी वही चीज़ है, तो मैं वीडियो भी बनाता हूँ, आप सबको दिखाता भी हूँ, और मम्मा भी देखिए किस तरीके से मतलब फूलों की ये मालाएँ बना रहे हैं, हार बना रहे हैं, और मम्मा भी जैसे बता रहे हैं कि क्या मम्मा क्या बोल रहे हो आप, आज इतनी खुश हूँ मैं कि ये जो राम भगवान की दिने दिवाली बनी हुई है कि इतने खुशहाली है, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। अच्छा, कि अभी मैंने एक और न्यूज़ मेरे को आई है, अभी मुझे मैसेज वगैरह आया, जैसे कि मैंने वीडियो अपलोड करी है कि पटाखे बैन है, लेकिन उसके रिलेटेड मुझे कुछ न्यूज़ अभी आई है कि आप ग्रीन जो क्रैकर्स होते हैं उनको आप मतलब जला सकते हैं, ग्रीन क्रैकर्स को। अब पता नहीं मैं जो लेकर आया हूँ उनके अंदर वो ग्रीन क्रैकर्स हैं कि नहीं है, चेक करूंगा, अगर होंगे तो हम भी पटाखे भी जलाएंगे। ये दीदी हमारे पहुंच चुके हैं, तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। इतना टाइम कहाँ लगाया? बस लग गया टाइम, सुबह से अभी पहुंचे हैं दोपहर को। और चलो ब्रूनो भी और वेट कर रहा है लेकिन मिलने के लिए। ब्रूनो ने पहले ही पहचान लिया था दूर से ही, हमें बता रहा था कि भाई आ जाओ। ब्रूनो ब्रूनो कौन आया? ब्रूनो देखो, ब्रूनो कितना खुश हो गया हुआ। ये देखो ये देखो ये देखो ब्रूनो कौन आया? ब्रून तो ब्रूनो भी अभी हो गया हुआ खुश, और ये देखिए खुश हो जाता है जब दीदी आता है ना, तो ब्रूनो भी खुश हो जाता हमारा। तो ब्रूनो खुश हो गया काफी ज्यादा, और पाँव भी छूता ही है ना, टर्न हमारे मिलने की। देखिए गाइस गाइस देखिए बैठे हैं, पापा भी नहाने की तैयारी, डेकोरेशन किया इधर। अरे भाई साहब किसकी कृपा, अरे भाई साहब ये तो किस भी चल रही है आगे। ठीक है चलो जी, गर्मी बहुत, धूप काफी ज्यादा हो गया ना, है ना धूप ज्यादा। ब्रूनो अच्छा होनी एनी भी एजनु ही रहा दे, है ना ब्रूनो कह रहा आने के लिए। यहाँ पे चढ़ा दिया हुआ है दूसरा भी, यहाँ पे माता रानी को चढ़ा देते हैं यहाँ पे, है ना। जय माता दी, जय जय माता दी। ये देखिए एक हार हमने माता को भी चढ़ा दिया हुआ है, और ऊपर भी इस तरीके से डेकोरेशन कर दी हुई है। जय माता दी। तो ये देखिए कोई गिफ्ट है। हैप्पी दिवाली मम्मा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली सुन रही हूं, हैप्पी दिवाली। सरप्राइज, ठंडा ठंडा लग रहा है, कुछ ठंडी चीज है इसमें लगता है, पकड़ के ना ठंडी चीज लग रही है, लेकिन चलो कोई गिफ्ट लेकर आए हुए तो वो ही बहुत अच्छा है। तो बाकी अब गिफ्ट में मिल चुका देर से, आप कुछ बोलना चाहोगे, कोई मैसेज दो हमारे व्यूअर्स को या कुछ उनको विशेस? तो बाकी मैंने तो मैसेज दे दिया हुआ आप सबको, दीदी की तरफ से क्या मैसेज और क्या विशेस है, चलो दो आप। Happy Diwali, may your life be as colorful and bright as the light of Diwali. Happy Diwali to you and your family. Thank you. Guys, जैसे कि दीदी ने विश कर दिया हुआ, आप सबको विश कर दिया हुआ है, अब हम देखते हैं जो दीदी हमारे लिए गिफ्ट लेकर आए हुए हैं, गिफ्ट में क्या है उसको भी ओपन करते हैं, आप सबको भी दिखाते हैं क्या निकलता है गिफ्ट में। फिलहाल तो मुझे कुछ ठंडा लग रहा था, अब देखते हैं क्या है। चलो आप क्या बनाने लगे हैं कुछ? मम्मा क्या बना रहे हो आप? अभी प्याज काट रहे हैं, प्याज काट रही हूँ मैं। हाँ पकोड़े बनाएंगे। अच्छा दीदी के लिए पकोड़े? हाँ। अच्छा तो पहले एक गिफ्ट तो ओपन कर दो जो ये लेकर आए हैं गिफ्ट। अभी खोलो इसको, कुछ ठंडा ठंडा गिफ्ट लग रहा है, पता नहीं क्या है। बेटी खोलेगी। कौन खोलेगा? कौन खोलेगा? मैं खोलूं? हाँ खोलो, आप ही खोलो। अभी गिफ्ट क्या है? गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना, कुछ भी हो। खोलते हैं अभी क्या निकलता है, खुल जा सिम सिम। क्या निकलता है? खोलो खोलो ऊपर से, तो गिफ्ट अभी ओपन होने वाला है, हो रहा है। अरे भाई साहब, ओह माय गॉड, ये क्या निकल गया गाइस? देख ले ड्यू निकली है। हाँ। ये क्या ड्यू गिफ्ट में आई है? अच्छा ना, पियो ऐश करो। अच्छा चलो जी, थैंक यू।
दिवाली पे तो मीठा ही पीते हैं खाते हैं तो मीठा ही सही चाहे कुछ भी हो है ना। चलो अच्छा गिफ्ट है, थैंक यू बोल दो आप भी, मैंने तो बोल दिया थैंक यू। बाकी आप क्या बना रहे हो, आप क्या बना दो? अभी बनाएंगे पकौड़े। अच्छा, चाय बनाएंगे, पकौड़े बनाएंगे। ठीक है चलो, इस अभी कोल्ड ड्रिंक आ गई है गिफ्ट में, बाकी पीते हैं। और मेरी फोन की बैटरी भी लो है तो मैं तो चार्जिंग पर डाल दूँ ताकि मैं आगे नेक्स्ट व्लॉग भी अपना कंटिन्यू रख पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे कभी ऐसा सिस्टम पता ही है पहाड़ी इलाकों का कैसा होता है, लाइट चल जाती है पता नहीं लगता। तो बस अभी हम फोन डालते हैं चार्जिंग पे और इसको पीते भी हैं, साथ में अपने पकौड़े भी बनाते हैं। ठीक है, तगड़े बना रहे इस वीडियो में। इस अभी मैंने पकौड़े बना दिए हुए हैं दीदी के लिए, आपको दिखाता हूँ। पकौड़े बनाए हुए हैं प्याज और गोभी के पकौड़े दिवाली के दिन दीदी के लिए। चलते हैं बाहर, बाहर दीदी बना रहे हैं रंगोली। मैंने बोला था मैं पकोड़े बना रहा हूँ, आप रंगोली बना लो, और अभी रंगोली बना रहे हैं और आपको दिखाते हैं कैसे वो बना रहे हैं और कैसी बनी हुई है अभी तक। तो बाहर चलते हैं, देखिए किस तरीके से रंगोली यहाँ पे तैयार हो रही है। और ये देखिए छानी, अच्छा ये देखिए रंगोली यहाँ पे बन रही है, हैप्पी दिवाली। और रंगोली इस तरीके से पास से दिखाते हैं, हैप्पी दिवाली, देखिए हैप्पी दीपावली। मम्मी यहाँ, मम्मी कैसी बन रही है? बहुत अच्छी बन रही है। अच्छी बन रही है, झूठ मूठ की सच में? झूठ क्यों बोलना है, सच बोल रही हूँ मैं, अच्छी बन रही है। ये ऐसे भी दीदी गलती बनाएंगे फिर भी बोलेंगे नहीं। ठीक है ठीक है, गलती नहीं है, सही बन रही है ना, इधर देखने के लिए है। ठीक है, पापा हमारे काफी दिख नहीं थे तो पापा हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। पापा क्या बोलोगे हमारे व्यूअर्स को? बोलेंगे थैंक यू, क्या बोलेंगे? विश तो कर दो हमारे व्यूअर्स को, आपके भी व्यूअर्स को विश हैप्पी दिवाली। ठीक है ठीक, शादी में गए थे आप? तो शादी में गया था तो तभी आज थोड़ा लेट ना आया मैं, फ्रेश हो गया। अच्छा, थकावट लग गई थी। ठीक है चलो, बाकी ब्रुंजी हमारा यहाँ पे। ओए ब्रुंजी, तूने क्यों नहीं बोला हैप्पी दिवाली? ओए ये क्या बोल रहा है, तूने क्यों नहीं बोला हैप्पी दिवाली? बस इसको घूमने चाहिए, घूमने के लिए बोलता है कि घुमाओ, पहले हैप्पी दिवाली बोल, चल अपनी भाषा में बोल दे। पापा कुछ बोल रहा है, आप बताओ मैं कैसी बन रही है, क्या पूरे कलर्स ठीक मिले हैं, अच्छे हैं? कलर्स तो अच्छे हैं, ठीक है, अच्छी बन रही है। अब देखते हैं जब कंप्लीट होगी पूरी तो। अच्छा, अभी कंप्लीट नहीं हुई है? कंप्लीट नहीं हुई है अभी। ठीक है देखिए। अच्छा तो चलो ये अभी कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी हमने पकोड़े वगैरह भी बना दिए हुए, मैंने पकोड़े और खाए फिर वो बस रंगोली बनने का। अच्छा, क्योंकि वो ठंडे हो जाएंगे ना। तभी हमारी रंगोली बन चुकी है यहाँ पे, देखिए हैप्पी दीपावली। और ये देखिए इस तरीके से, और दीदी ने बनाई है ये, यहाँ पे भी दिवाली लिखा हुआ है। और ये कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी बनी हमारी रंगोली। Happy Diwali to everyone! Diwali!